Hi friends, I am Dr. R.K. Rajesh. Today, I will talk about the importance of education and the objective of education. Everyone knows, inside our country, education is very important. Shiksha bahut jaruri hai, avashya jaruri hai. Hum logon ko nischit roop se gunvatta shiksha prapt karni chahiye. यह समाज तब तक सुदृढ़ और सुंदर नहीं होगा जब तक हम लोग गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त ना कर लें। आज समाज में क्या हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। दिल्ली में अभी इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन का समय है। हर एक पार्टी अपने पॉलिटिकल नर्व्स को भूलते हुए, हद को पार करते हुए, सीमा को नांगते हुए कुछ भी करने को तैयार है। सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को सत्ता दिख रही है और कुछ नहीं। बट कोई भी आज तक यह नहीं देखा, यह नहीं पूछा कि शिक्षा किस तरह हमारे देश में चल रही है, शिक्षा की स्थिति क्या है। दो तरह की शिक्षा मुख्य रूप से हमारे देश में दिए जाते हैं। एक शिक्षा व्यवस्था सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती है और दूसरी शिक्षा व्यवस्था जो प्राइवेट संस्थान में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में दिए जाते हैं और उनका मालिक भी इंडिविजुअल रूप से अलग होते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस की स्थिति है वो आपके सामने है, कहने की कोई बात नहीं। आप लोग भी उस समस्या से जूझ रहे हैं, मैं भी उस समस्या से जूझ रहा हूँ, हर एक व्यक्ति उस चीज़ से जूझ रहे हैं। मेनी सिस्टम्स ऑफ एडुकेशन in our country for us, and ultimately we are taking benefits from that system actively or passively. But problem is that education of this time makes us only machine to earn a lot of money and lead our life in a luxurious way. Yes, luxurious life अच्छी है, लोगों को जीना चाहिए, हम लोगों को भी जीना चाहिए। हर एक व्यक्ति लग्जरियस लाइफ के लिए पढ़ना प्रेरित है और वो चाहता है अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, क्यों नहीं, अवश्य करना चाहिए। लेकिन अपनी मानवता और नीति को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज हमारे देश में, हर एक समाज में, चाहे वो उच्च वर्ग की समाज हो, निम्न वर्ग की समाज हो, मध्य वर्ग की समाज हो, समस्याएं उत्पन्न हो रही है, लगातार समस्याएं उत्पन्न हो रही है। क्योंकि देश में आज हम लोग जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यह शिक्षा केवल हम लोगों को मशीन बना रही है, पैसा कमाने की मशीन, बस पैसा कमाना चाहते हैं। और एजुकेशन का जो उद्देश्य होना चाहिए, मुख्य रूप से महत्व तो सब लोग जानते हैं कि पढ़ लिख करके अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, पढ़ लिख करके अच्छे पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं, पढ़ लिख करके धन अर्जन करते हैं, ये सब इसके महत्व हैं। लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव को ही आज लोगों ने बदल दिया। मैंने आज देखा, अनुभव किया, आप भी देख रहे हैं कि देश में शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो टोटली बदल गया है। आज लोग शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना, पैसा कमाना मान चुके हैं। लेकिन यह है नहीं, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक सभ्य नागरिक बनना, गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, गुड सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, गुड सिटीजन ऑफ सोसाइटी, ये होना चाहिए। ना कि नौकरी पा करके पैसा अधिक से अधिक अर्जन करके अच्छे से अच्छे सोसाइटी को मेंटेन करना, यह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा, मुझे आज याद आ रही है कि कलयुग जो आज अभी अल्ट्रा मॉडर्न युग चल रहा है, जिसमें आजकल हम लोग जी रहे हैं, कि ऐसा समय आएगा जिसमें जूता चप्पल ये शोरूम में खरीदे जाएंगे और पुस्तकें सड़कों पे खरीदे जाएंगे। आज स्थिति आ गई है, मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, सड़कों पे पुस्तकें बिक रही हैं, खरीदने वाला कोई नहीं, शोरूम में जूते चप्पल बिक रहा है, 100 लोग जाते हैं प्रत्येक दिन,
ब्रांडेड से ब्रांडेड जूते चप्पल कपड़े खरीदते हैं, सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की पुस्तकें खरीदना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो आज खरीदते भी हैं, उसकी महत्व देते भी हैं, उसके उद्देश्य को जानते भी हैं, लेकिन बहुत कम है, लेस नंबर ऑफ पीपल इन आर सोसाइटी। बट हाउ वी कैन डेवलप बाय दिस लेस नंबर ऑफ पीपल वेन एवर द मास लेवल एंड द नंबर ऑफ पीपल वुड नॉट बी एडुकेटेड, देन हाउ वी कैन इमेजिन अ हेल्दी एंड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस सोसाइटी। दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट। विदाउट क्वालिटी एडुकेशन वी कांट इमेजिन अ हेल्दी सोसाइटी। विदाउट एडुकेशन, क्वालिटी एडुकेशन, वी कांट फॉर्म अ गुड कंट्री। सो देर इज अ पोएम, गॉड मेड द कंट्री, वी मेड द टॉन। बहुत अच्छी कविताएं हैं, इसे पढ़ना चाहिए और अवश्य अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य लेकर के सकारात्मक दिशा में काम करना चाहिए। आज हमारी विजन, दृष्टि अच्छी होगी, दिशा सही होगा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। और मानव हैं, मानव के वैल्यूज़ को जानना ही चाहिए, जो शिक्षा के माध्यम से जान सकते हैं, जीवन के अनुभव से के माध्यम से जान सकते हैं। जानने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी शिक्षा के उद्देश्य को ना बदलें, शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को पहचानें, समझें, जानें और अपने बच्चों को प्रेरित करें, ताकि मोरल एजुकेशन आज के डेट में तो हर एक सिलेबस से ख़त्म ही कर दिया गया है। जब तक नैतिक शिक्षा के बारे में हम लोग जानेंगे नहीं, तब तक ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट हो ही नहीं सकता है, इन्हेंस हो ही नहीं सकता है। इन्हेंस करने के लिए हम लोगों को मोरेलिटी, ह्यूमैनिटी, ये सब से गुजरना पड़ेगा, ये सब सीखना पड़ेगा, ये सब देखना।